खम्मा गणिसा सब्सक्राइब करो मारा राजस्थान चैनल ने और दबाओ ये बेल आइकन ने राजस्थान की हिस्ट्री और मिस्ट्री की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चित्तौड़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़ भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेवाड़ की राजधानी थी और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। किले के परिसर में कई ऐतिहासिक महल, गेट, टेंपल्स और दो टावर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट बनाया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम अपने निर्माता से लिया गया है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार भीम को किले के निर्माण से जोड़कर देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भीमलत कुंड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भीम ने अपनी लात से यहाँ जमीन पर हमला किया था। भीम द्वारा कथित रूप से गठित जल निकाय भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में सूरज पोल गेट से थोड़ा पहले या कालिका मंदिर के सामने वाले रास्ते के आखिर में दाई ओर स्थित है भीमलत कुंड। विशालकाय कुंड होने के कारण इसे भीमलत तालाब भी कहा जाता है। इस विशालकाय कुंड को देखकर लगता है कि यह प्राचीन काल में प्रमुख जल स्रोत रहा होगा। आयताकार बने इस कुंड में दाई तरफ से प्रवेश हेतु सीढ़ियां बनी हुई है। कुंड के ऊपर मध्य में ऊंची जगती पर एक कलात्मक शिवालय बना हुआ है जिसके मंडप का शिखर नष्ट हो चुका है। मंडप के मध्य में एक नंदी की मूर्ति विराजित है। मंडप के आगे गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। भीमलत कुंड के चारों तरफ ताकों में सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के आगे कुंड में प्रवेश हेतु बनी सीढ़ियों के दाई तरफ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है तथा पास ही एक छोटी छतरी नुमा संरचना बनी हुई है जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभवत यहाँ आराधना करने वाले साधुओं की समाधियां होगी। इस प्राचीन जल कुंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका अनेकों बार रिनोवेशन हुआ होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।